नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू। चुनाव के बाद आपका मोबाइल बिल बढ़ सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव के बाद भारतीय टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की तरफ से 2024 की दूसरी छमाही में टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। 4G टैरिफ के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। सरकार अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस बारे में घोषणा हो सकती है। PFRDA ने भी सरकार को पत्र लिखकर अटल पेंशन योजना के तहत गारंटी शुदा पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है। पेंशन की मौजूदा राशि बहुत कम है, इसकी वजह से नए अंशधारक इस योजना में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब अगली खबर बजट से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार NPS को आकर्षक बनाने और महिलाओं को कुछ टैक्स छूट देने की घोषणा कर सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग के बीच न्यू पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं को अलग से कुछ टैक्स छूट मिलने की भी उम्मीद है। चुनावी साल होने की वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाकर नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलने की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। वॉलेट में पैसा होने के बाद भी आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकता है। NHAI के मुताबिक अधूरे KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। RBI के अनुसार KYC करना अनिवार्य है और सुविधा से बचने के लिए यूजर्स अपने फास्टैग का KYC जरूर पूरा कर लें। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बेहतर बनाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की बिना परेशानी आवाजाही को संभव बनाने के लिए NHAI ने वन व्हीकल वन फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल और एक वाहन के लिए कई फास्टैग इस्तेमाल करने को रोकना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हायर इंटरेस्ट रेट के साथ एक छोटी अवधि की नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम पेश की है। इस स्कीम का नाम BOB 360 है। इस FD की अवधि 360 दिन है। इस FD पर सामान्य ग्राहकों को 7.10% और सीनियर सिटीजन को 7.60% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की जमा पर लागू होगा। इस FD में न्यूनतम 1,000 और मैक्सिमम 1.99 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फेस्टिवल ऑफर को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। ग्राहक अब कम ब्याज दर और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट जैसे फायदे 31 मार्च 2024 तक उठा सकेंगे। पहले ये ऑफर्स 31 दिसंबर 2023 तक ही उपलब्ध थे। 31 मार्च 2024 तक सेंट गृहलक्ष्मी योजना और सेंट बिजनेस स्कीम के तहत ग्राहकों को सबसे कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की जाएगी। देश में गारंटीड न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार देश में ऊंची दर पर न्यूनतम वेतन को अनिवार्य बनाने की घोषणा कर सकती है। SP मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार गारंटीड न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू कर सकती है। अभी देश में न्यूनतम मजदूरी 176 रुपये दैनिक है, जो महंगाई को देखते हुए काफी कम है। केंद्र सरकार की तय की गई न्यूनतम मजदूरी को लागू करना अभी राज्यों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नई व्यवस्था में राज्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान लागू करना अनिवार्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में एक नई टाउनशिप स्थापित करेगी। ये टाउनशिप 1000 एकड़ में बनाई जाएगी। इस टाउनशिप को न्यू अयोध्या नाम दिया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। ये भारत की पहली वास्तु आधारित टाउनशिप होगी। यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगा। साल 2019 के बाद से अयोध्या में प्रॉपर्टी की कीमतों में 3 से 4 गुना तक का उछाल आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 1,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। ये अनुमान विभिन्न राज्यों के 30 शहरों के व्यापार संघों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। कैट का कहना है कि ये आयोजन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। लोगों का विश्वास देश की पारंपरिक आर्थिक प्रणाली पर आधारित कई नए व्यवसायों को बढ़ावा दे रहा है। बाजारों में श्री राम के झंडे, बैनर, टोपी, टी शर्ट और राम मंदिर की तस्वीर वाले कुर्ते की भी भारी मांग देखी जा रही है।
दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से अब तक डबल से ज्यादा हो गई है। ऑक्सफेम का कहना है कि दुनिया को अपना पहला खरबपति अगले 10 साल में मिल सकता है। ऑक्सफेम का अनुमान है कि गरीबी खत्म करने में 200 साल से अधिक समय लगेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले ऑक्सफेम ने अपने वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की। ऑक्सफेम के अनुसार वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। दुनिया के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में ही है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में रहने वालों के दिन बदलने वाले हैं। अदानी समूह महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से धारावी झोपड़पट्टी का रीडेवलपमेंट कर रहा है। अदानी समूह धारावी झुग्गी बस्ती के पात्र निवासियों को 350 वर्ग फुट का नया फ्लैट देगा। नए फ्लैट में किचन और टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। अदानी समूह ने नवंबर 2022 में धारावी रीडेवलपमेंट का ठेका जीता था। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।